अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस को डिस्कस किया था और रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। आज हम जो है उसको फर्दर एलेबोरेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक जो है आज का मेरा वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या होती है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास रिलेशनशिप आ रहा है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री का पढ़ा था, बायोफिजिक्स का पढ़ा था, बायोमैथमेटिक्स का पढ़ा था, इसी तरह अब हम रिलेशनशिप पढ़ने लगे हैं बायोजियोग्राफी का। बेसिकली व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी? बायो मीन्स लाइफ एंड जियोग्राफी मीन्स डिफरेंट स्पीशीज हैं हमारी लाइफ में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको हम डिस्कस करते हैं। बायोजियोग्राफी डील्स विद द स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल वर्ल्ड और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज हैं वहाँ पे हम कुछ स्पीशीज को ले लेते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ स्पीशीज को ले लेते हैं, उनकी अक्रेंस को, वो किस तरह अकर कर रही हैं, एंड द सेकेंड थिंग उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफी में। बेसिकली बायोजियोग्राफी हैव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड हेयर। उनकी जो करेक्टरिस्टिक होंगी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, हम उन करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें फिजिकली, एंड उनकी अपीयरेंस में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, हम वो सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। और हम ये सब कुछ करते हैं कि हम लोगों को पता चल सके कि किस स्पीशी से रेलिवेंट जो है वो कितनी अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़िंदा हैं, कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, कुछ इंडेंजर होंगी, तो हमें इन सब चीज़ों में बायोजियोग्राफी में पता चलता है। द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ बिटवीन द बायो इकोनॉमिक। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो लाइफ को, ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डिस्कस करते हैं। जैसे कि द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लूजेस कैन बी डिटरमाइन। जैसे कि हमारे पास अगर हमने किसी भी चीज़ का प्रॉफिट और उसका लॉस जो है वो चेक करना है, लॉस्ट वैल्यू उसकी चेक करनी है, या उसकी कॉस्ट वैल्यू चेक करनी है, उसका प्रॉफिट चेक करना है, या उसने कितने पैसे लूज कर लिए हैं वो चेक करनी है, तो उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी हमने यील्ड ऑफ वीट ले ली, हम उसको कैलकुलेट करेंगे बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें बेनिफिट हुआ है और कितने हम लोगों ने अपनी जो यील्ड है या यील्ड ऑफ वीट है उसको हम लोगों ने वेस्ट कर दिया या वो वी जस्ट लॉस्ट, ठीक है। जितने भी अब हमने रिलेशनशिप्स पढ़े थे, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल द रिलेशनशिप्स लाइक समरी। बायोलॉजी, यू कैन सी राइट हेयर इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट्स बायोलॉजी। हमने पढ़ी बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री एंड बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा है अभी, इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट बेनिफिट्स और लॉसेस के बारे में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन के बारे में। बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, कहाँ कहाँ डिफरेंट रीजन्स में कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है ऑर्गेनिजम्स की, उनके बारे में। बायोफिजिक्स में हमने क्या पढ़ा है, मसल्स और बोन्स के बारे में, ठीक है। ये था हमारा रिलेशनशिप बायोलॉजी का विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब हमने पढ़ना है कैरियर्स इन बायोलॉजी। इनको जो है वो हमने थोड़ा सा एवेल्यूएट करना है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ अभी के लिए, बट इफ़ यू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, लाइक इन योर फ्यूचर, आपको ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। आप सबसे आगे जाके इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कौन सा कैरियर चूज़ करें, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी अभी भी कर रहे हो और नेक्स्ट पे आप बायोलॉजी को प्रेफर कर रहे हो, तो अभी से आपको जो है वो इन कैरियर्स के बारे में यू मस्ट हैव टू बी क्लियर अबाउट इट कि ये कैरियर्स क्या हैं, इन कैरियर्स में क्या होता है, हर चीज़ के बारे में यू हैव टू बी क्लियर, ठीक है। बेसिकली इट इज़ असेंशियल दैट स्टूडेंट्स ऑफ टूडे विल ऑक्यूपाई पोजिशंस ऑफ लीडरशिप tomorrow have the background of modern and forward looking branches of science. हर student के लिए essential है सबसे पहले ये कि उसको पता हो कि उसने biology क्यों रखी है, उसका interest है,
या बायोलॉजी में उसने क्या पढ़ना है, क्या वो इस चीज़ को कवर कर सकता है। उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसके उसका मतलब क्या है, मैं उसमें क्या पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा हर पॉइंट क्लियर हो कि इसमें बेसिकली है क्या। जब चीज़ें क्लैरिफाई होने लग जाएँ, बुक्स क्लैरिफाई होने लग जाएँ, टॉपिक्स क्लैरिफाई होने लग जाएँ, तो आपका इंटरेस्ट अपनी फील्ड की तरफ खुद ब खुद आपको वो उस फील्ड की तरफ लेकर जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपका इंटरेस्ट बहुत सी चीज़ों में है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे होते हो, वैल्यूएट नहीं कर पा रहे होते हो कि आपका इंटरेस्ट है किस कैरियर में, आप जाना कहाँ चाहते हो। वो इसलिए कि जब आप पढ़ रहे थे तब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो इसलिए कि आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं थे, वो इसलिए कि आप अपनी बुक से यू डिडंट इवन वेरीफाई योर बुक्स। ठीक है, यू डिडंट इवन वेरीफाई द टॉपिक विच वर यू स्टडिंग फ्रॉम सिंस लाइक द मेट्रिकुलेशन लेवल। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, अपना एम क्लियर रखें, बी फोकस्ड इन योर लाइफ, ताकि आपको कैरियर चूज करने में डिफिकल्टी ना हो, आपको अपने इंटरेस्ट पता हो। बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू नो आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, कुछ कैरियर्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कैरियर्स के नेम हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल इंडस्ट्री और हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायो टेक्नोलॉजी। दीज आर द कैरियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, हम सिर्फ बायोलॉजी के कैरियर्स की बात कर रहे हैं, इसी तरह और भी फील्ड्स हैं, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, दे हैव वेरियस टाइप ऑफ कैरियर्स इन इट। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो वाकई में बायोलॉजी जिन्होंने रखी है या उनका इंटरेस्ट है ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में, अनाटमी में, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन जोलॉजी, लाइक दे कैन, उनका अगर इंटरेस्ट होगा बायोलॉजी में तो उनको कैरियर्स चूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी कि हम कौन सा कैरियर चूज़ करें। बायोलॉजी में तो आगे, लेकिन कैरियर्स को कैसे एलेबोरेट करें, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे उनके उनमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, वो अब हम सब जो है वो आगे पढ़ेंगे, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन एंड सर्जरी, द मोस्ट फेमस टाइटल ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ राइट नाउ इज़ MBBS। एवरी स्टूडेंट नोज़ द नेम ऑफ द MBBS। MBBS क्या है? जिसमें आप मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, मास्टर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, इसमें ये क्या होता है कि आप जो हैं वो डील करते हैं डायग्नोसिस से एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग। सिंपल डॉक्टर, एक सिंपल डॉक्टर और एक MBBS डॉक्टर में यही डिफरेंस है कि दे कांट ट्रीट और दे कांट नॉट ओनली सिंगल डायग्नोस द डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली इफ अ पर्सन हैज़ टू क्लियर हिज टॉपिक, उसका यही मतलब है कि उसको पता होना चाहिए कि एक मेडिसिन सर्जरी करने वाले डॉक्टर में और एक दूसरे सिंपल डॉक्टर में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसमें हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दोनों को डिस्कस करते हैं। इसमें एक्यूरेट और मॉडर्न नॉलेज ऑफ बायोलॉजी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली आजकल की नॉलेज, आजकल की चीज़ें, दे ऑल आर डिफरेंट। तो अगर हम सर्जरी की बात करें, सर्जरी में हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सर्जरी बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले ये हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सकती है, रिप्लेस कर सकती है और रिमूव कर सकती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं किडनी स्टोन की, हमारे किडनी में स्टोन है। ठीक है, ये हमारे जो है वो लाइक यहाँ पे हमारे पास रीनल जो है वो रीनल सर्जरी होगी, इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें हमारे स्टोन्स जो है उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कैरियर है मेडिसिन एंड सर्जरी का, ये बेसिकली कैरियर पढ़ा जाता है MBBS में। तो अगर आपका मेडिसिन और सर्जरी में यू हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, तो आप ज्वाइन करते हो MBBS को। ठीक है, द सेकेंड कैरियर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फिशरीज। आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें क्या होती है? प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। हर कंट्री में दे आर लाइक सेम टाइप ऑफ फिशेज टू, डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज टू। ठीक है, तो हमने एक प्रोफेशनल स्टडी पढ़नी है। एक होती है सिंपल स्टडी पढ़ना, पर प्रोफेशनल स्टडी को बोलते हैं फिशरीज। आप सोच रहे होंगे कि अब एक फिश प्रोडक्शन पे ही, सिर्फ एक फिश प्रोडक्शन पे कैरियर बना दिया गया है। ठीक है, तो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि फिश जो है हमारी लाइफ में कितना असेंशियल पार्ट है। ठीक है,
उसमें क्या मिनरल्स विटामिन्स जो वो चीज़ें उसने कैरी की हुई हैं वो कितनी एसेंशियल है हमारी लाइफ में, कि उसकी एक प्रोफेशनल स्टडी रख दी गई है कि किस टाइप की फ़िशेज़ एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी फ़िश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो कितनी असेंशियल है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सी और कंट्रीज़ हैं जिनमें डिपार्टमेंट्स हैं फ़िश प्रोडक्शन के, सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बहुत सी और कंट्रीज़ में, हर जगह पे जो है वो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं फ़िशरीज़ के जहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट थिंग है यू हैव टू इन्हेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप एक प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो फ़िश प्रोडक्शन की, आपको फर्दर पता चलता जाएगा कि उस फ़िश में लाइक यू कैन डिस्टिंग्विश द फिशेज, राइट। तो प्रोफेशनल स्टडीज़ में यही होगा कि आप क्वालिटी को भी इन्हांस कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी को भी इन्हांस कर सकते हो, लाइक बाय द इंटरमीट प्रोसेस, और आप जो है उनको अच्छा फूड प्रोवाइड कर सकते हो ताकि जो हमारी फिशेज़ हैं जो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही हैं, जो क्वालिटी हमारी फिश जो फिशेज़ की जो एक्सटिंक्ट की तरफ जा रही है, हम उसको ना जाने दें, वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसकी जो द मेन काइंड ऑफ फिश जो है वो एक टाइम आए कि वो फिश की जो काइंड है वो ख़त्म ही हो जाए इस दुनिया से। तो हमने उनको भी स्टोर करना है, उनको भी बचाना है, बिकॉज जैसे ह्यूमन बींग्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, उसी तरह एनिमल्स हैं, एनिमल्स की टेक केयर भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एक ह्यूमन बींग की है, ठीक है। द लास्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द फिशरीज इज अबाउट लाइक दिस प्रोफेशन कैन बी अडोप्टेड आफ्टर द बैचलर्स और मास्टर्स लेवल, अ स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड फिशरीज, ठीक है। यानी कि आप जोलॉजी की स्टडी के बाद भी इसको पिक कर सकते हो, और इफ़ यू डिड एनी टाइप ऑफ बैचलर्स और मास्टर्स लेवल उसके बाद भी आप फिशरीज जो है उसको उस कैरियर को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कैरियर इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, वीट, एवरी टाइप ऑफ कॉटन एंड दिस ऑल अबाउट द कल्चर कल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली, इट डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड द एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर में भी क्या है, आप चीज़ों को बचा रहे हो, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हो, न्यू न्यू चीज़ों का इन्वेंट कर रहे हो, या न्यू हमारे पास फूड क्रॉप्स आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स को बचाने के लिए, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए। द मोर फूड द मोर ह्यूमन बींग्स द मोर वी कैन सेव दैम बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या बताया गया कि एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न, वेरियस टाइप ऑफ आप फार्म्स देखते हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स देखते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वीट है, राइस है, कॉर्न है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक असेंशियल प्रोडक्ट है जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात की जाए, बफेलो काओ फ्रॉम विच वी ईट फूड, ठीक है। जैसे कि सिर्फ हमारे लिए ही क्रॉप्स या एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, एनिमल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। वो एनिमल्स जो कि फार्म एनिमल्स हैं, जो कि क्रॉप्स पर हैं, या दे लाइक द ग्रास ईटर्स, तो उनके लिए भी एग्रीकल्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर कोर्सेज जो हैं आप उनको अडॉप्ट कर सकते हो आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। जो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन द एग्रीकल्चर कैरियर, किसी का भी इंटरेस्ट हो सकता है क्रॉप्स में, फूड्स में, एनिमल की प्रोडक्शन में, तो वो जो है वो एग्रीकल्चर का कैरियर चूज़ कर सकते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरियर है इज़ अबाउट द एनिमल इंडस्ट्री और हस्बेंड्री, यू कैन से द हस्बेंड्री, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइफ स्टॉक, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल कैटल एंड शीप एट्सेट्रा। ओके, एज आई टोल्ड यू, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं जितना उनको बचाना हमारी लाइफ में ज़रूरी है, जैसे उनके लिए डॉक्टर्स हैं, उसी तरह एनिमल्स हैं। एनी वन ऑफ यू हु लाइक एनिमल्स, वो एनिमल हस्बेंड्री का कैरियर अपनी लाइफ में चूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। जितना इंसानों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उसी तरह जानवरों का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर जो कंसर्न करती है केयर और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि फार्म ईटर्स हैं, जो ग्रास ईटर्स हैं, जो कि फार्म एनिमल्स हैं, उनकी टेक केयर की जाए, और ये भी ब्रांच है वो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं एनिमल हस्बेंड्री में, हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, जैसे कि एग्रीकल्चर में, उसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में, ठीक है। इसलिए केयर एंड ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, तो जिसका भी इसमें इंटरेस्ट है वो इस कैरियर को चूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर,
एनिमल्स की बात होगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइक हॉर्टिकल्चर इन्वायरमेंट. हॉर्टिकल्चर इन्वायरमेंट में क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट द गार्डनिंग, इट्स ऑल अबाउट द ग्रास, फ्लावर्स, लीव्स, ट्रीज, एवरीथिंग. ठीक है, वो गार्डनिंग में आ जाती है. एनी वन ऑफ यू हु लव्स गार्डनिंग, हु जस्ट वॉन्ट टू लाइक दे जस्ट लव द नेचर एंड प्लांट्स एंड ट्रीज, वो हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं. हॉर्टिकल्चर में बेसिकली क्या होता है कि हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं हमारे पास, वो वर्क करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वराइटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड द फ्रूट प्लांट्स. ठीक है, और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन को आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन. एनी वन ऑफ यू हु वांट टू जॉइन द हॉर्टिकल्चर, दे कैन चूज दिस कैरियर वेरी वेल. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैरियर विच इज़ अबाउट द फार्मिंग. ऑब्वियसली फार्मिंग होगी तभी एग्रीकल्चर होगा, गुड क्रॉप्स होंगे तो ही एनिमल्स को बचा सकते हैं, उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फार्मिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बेसिकली जिस तरह वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका भी एक कैरियर बना दिया गया. तो ये भी सोचें कि जो चीज़ें हमारी लाइफ का बहुत असेंशियल पार्ट है, जिनको हम असेंशियल नहीं समझते, उनकी एक बाकायदा कैरियर्स बना दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स जो उन कैरियर्स को चूज़ करें और हमारे वर्ल्ड के जो एक वेरियस टाइप ऑफ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके थ्रू द वेरियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, फार्मिंग में बेसिकली क्या है, इट डील्स विद द डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म. ठीक है, जो भी डिवेलपमेंट आ सकती है या अगर डिफरेंट फार्म्स हैं उनकी टेक केयर करना, उनको मेंटेन रखना, उनकी डिवेलपमेंट करना, वो सब फार्मिंग में आ जाता है. ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती हैं कि सम फार्म एनिमल्स ब्रीडिंग टेक्नोलॉजिस्ट आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स. फार्मिंग में आप एनिमल्स को भी ले लेते हो, वो एनिमल्स जो कि हमें बेटर प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर मिल्क सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको फार्म्स में उन एनिमल्स को रखते हो. ठीक है, ताकि हम उनसे ज़्यादा बेटर और असेंशियल जो है उनसे बेनिफिट ले सकें. ठीक है, इसी तरह अगर हम पोल्ट्री फार्म्स की बात करें तो उसमें हमारे पास चिकन्स और एग्स जो हैं दे प्रोड्यूस, सो हमारे पास यही है कि हम उन एनिमल्स की टेक केयर कर सकें जो हमें असेंशियल सोर्स प्रोवाइड करते हैं. ऐसा ना हो कि वो भी इंडेंजर स्पीशीज बन जाएँ अगर हम उनकी टेक केयर नहीं करेंगे या उनसे प्रॉपर उनको फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो इट्स कम्प्लीटली असेंशियल पॉइंट इन आवर लाइफ टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स सो वी कैन गेट द गुड प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स. ठीक है, इसी तरह अगर फ्रूट फार्म्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमें फ्रूट की यील्डिंग चाहिए. ठीक है, फ्रूट की यील्डिंग क्या होगी, आप अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स की जो है वो लाइक दे मस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग रूट्स, और उसको किसी आर्टिफिशियल वे से जो है वो फॉर्म नहीं किया जा रहा, या कुछ आर्टिफिशियल जो है वो सीड्स नहीं यूज़ किए जा रहे, नेचुरल प्लांट हैं एंड एवरीथिंग इज़ नेचुरल, फार्मिंग नेचुरल हो रही है, प्रोटीन और मिल्क सोर्स जो हम एनिमल से ले रहे हैं वो नेचुरल, एवरीथिंग हैज़ टू बी नेचुरल, ताकि जो है वो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को और इस वर्ल्ड को जो है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके. ठीक है, कैरियर सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो जो चीज़ें हमारी कंट्री में लैक कर रही हैं या वो चीज़ें जो बहुत ही एक असेंशियल रोल प्ले कर रही हैं हमारी लाइफ में, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको स्टडी करके उनको इंडेंजर्ड होने से बचा सके. ठीक है, सो दैट्स वे वी मस्ट हैव टू बी सिंसियर विद आवर कैरियर्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट्री. Forestry means that professionals look after the natural forests and advises to the government for planting and growing the artificial forest as well. ठीक है, इस ऐसा है कि forest जो है इतने essential हैं हमारी life के लिए, इतने beneficial हैं हमारी life के लिए कि हमें जो है वो एक area को cover करने के लिए we must need a forest, we must need good trees, we must need the good farming. इसीलिए ये कहा गया है कि आप उनके लिए अगर आर्टिफिशियल सोर्स भी प्रोवाइड किए जाए ना फॉरेस्ट के लिए, तो वो भी दे आर वेल एंड गुड. ठीक है, तो इसीलिए जिसका भी जिन भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है फॉरेस्ट में, सो दे कैन जॉइन द फॉरेस्ट्री एज मच दे कैन. ठीक है, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फार्मिंग में, फॉरेस्ट्री में जो है वो प्रोफेशनली कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो वो बेसिकली सारे कोर्सेज जो हैं आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो है उनको कर सकते हो. बायोलॉजी में किसी ने बायोलॉजी रखी है तो उसमें हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद यू कैन अडॉप्ट द फॉरेस्ट्री एज वेल. ठीक है,
And you can after join after the bachelor's level study too. Now move towards the biotechnology, which is the last career we are going to discuss. Biotechnology is completely the latest profession in the field of biology. ये completely हमारे पास latest profession है, ठीक है? Biotechnologists जो हैं वो हमारे पास study करते हैं and they work for the production of useful products through microorganisms. Microorganisms से जो भी useful products मिलते हैं हमें उनको study करते हैं और बहुत सी universities हैं जो कि biotechnology जो है वो एक as a career लेकर चल रही हैं for like BS they take 4 years to come to complete the biotechnology. तो वो आप कर सकते हैं after the higher secondary education in biology. Now I'm going to revise the careers and everything which we read before. अगर आपने contents नहीं बनाए तो आप please contents बना लें, it will be good for you, ताकि आपको easily जो है वो आपकी learning हो सके. सबसे पहले है biogeography, ठीक है? Biogeography को हमने पढ़ा, जिसमें हम लोग distribution और species को पढ़ते हैं. Bio economic में हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स एंड लॉसेस के बारे में. इसी तरह हम बायोलॉजी के जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उनको डिस्कस किया, बायोफिजिक्स को, बायोजियोग्राफी को, बायोकेमिस्ट्री को, बायोइकोनॉमिक्स को एंड मैथमेटिक्स को, ठीक है? ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं और इनमें क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है? अब हमने पढ़ा था कैरियर्स इन बायोलॉजी. एज आई टोल्ड यू कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत एसेंशियल है कि उसको अपनी पोजीशन का पता हो कि कल वो किसी भी बैकग्राउंड में खड़ा है या किसी भी मॉडर्न और फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस में खड़ा है, तो उसको पता हो कि विच वन इज़ द बेस्ट फॉर हिम और हर. तो फॉलोइंग ब्रांचेस थी मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल इंडस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. येस एंड इट्स अबाउट द फिशरीज, एग्रीकल्चर. और हमने एनिमल इन हस्बेंड्री में पढ़ा कि हमें एनिमल्स जो हैं उनकी कितनी टेक केयर ऑफ करनी चाहिए, हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हमें किस तरह के फूड क्रॉप्स करने चाहिए और एनिमल्स के लिए जो कि हमारे पास बेसिक सोर्स हैं फूड का. और इस तरह अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट को डिस्कस करें तो एक एग्रीकल्चरिस्ट का भी यही जो है वो मेन उसका फोकस होता है कि वो बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए काम कर सके, एनिमल्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी हेल्प कर सके. हॉर्टिकल्चर में भी हमने गार्डनिंग के बारे में पढ़ा, मोर प्लांट्स, मोर ग्रीनरी, मोर ब्यूटीफुल. इसी तरह हमने फार्मिंग को पढ़ा. फार्मिंग में हमने ये पढ़ा कि क्या मेंटेनेंस है, ठीक है? इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म जो थे उनकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, एनिमल्स की ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा. फॉरेस्ट्री में हमने ये पढ़ा कि हमें जो है वो जितने हो सकता है नेचुरल फॉरेस्ट भी लगाने चाहिए और गवर्नमेंट को भी यही कहा जाता है कि जितने हो सके वो भी आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाएं ताकि हमारी कंट्री को जो है वो बहुत सी बुरी चीज़ों से बचाया जा सके, नॉट आवर कंट्री बट द होल वर्ल्ड. इसी तरह बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो ऑफर कर रही है, वो बेसिकली हायर सेकेंडरी भी हो सकते हैं, बैचलर्स भी हो सकते हैं. नाउ डिस्कस द बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी भी जो हमारे पास क्या है, लेटेस्ट प्रोफेशन है. ये हमारे पास प्रोडक्शन करता है यूज़फुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी को रेफर कर रही हैं एज अ कोर्स, और वो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी के बाद यू कैन अडॉप्ट इट. Now we are going to discuss the Quran and biology. There is a very strong link between the Quran and biology. हम इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें कितनी खूबसूरती से बनाया, हमारा नक्शा कितनी खूबसूरती से तख्लीक किया गया इस दुनिया में, हमें किस मिट्टी से बनाया गया, हमें हमारे अंदर ये जो वेन्स, टिश्यूज, नर्व्स, आर्टरीज, मसल्स, बोन्स, ये सब कुछ हैं, ये अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए उस चीज़ को वहीं बनाया गया है. तो इसी तरह अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा करके हमें इसका एक मकसद बताया कि हमारा बेसिकली मकसद क्या है इस चीज़ के पीछे. इसी इस इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए या अल्लाह ने हमें बताने के लिए कि हमें अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से बनाया है, जो बिल्कुल ही नाकाबिल तारीफ तो है ही, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नॉट अ सिंगल पर्सन कैन डिनाई एंड नॉट अ सिंगल पर्सन कैन डिस्क्राइब इन वर्ड्स. तो इसमें हमें यह बताया गया है कि ओरिजिन और करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ आयात के अंदर. हमने इन वर्सेज को पढ़ना है जो कि अरबिक में वर्सेज हैं, और आपने इसकी ट्रांसलेशन को भी रीड आउट करना है, ठीक है? बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि दे हैव लाइक लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज जस्ट instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints, ठीक है? इन वर्सेज हमें यह पता चलेगा कि जो जो चीज़ें छुपी हुई हैं इंसान के बारे में, इंसान की ज़िंदगी के बारे में, वो क्या हैं, ठीक है? दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द कुरान एंड बायोलॉजी. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर वर्क एंड
उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ. यू मस्ट हैव टू रीड एवरी सिंगल थिंग इन इट. ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है टू द स्टडी ऑफ साइंस एंड दे आर मच अवेयर ऑफ देयर सोर्सेज. उनको जाना जाता है उनकी काबिलियत की वजह से. ठीक है, सबसे पहला साइंटिस्ट जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान बेसिकली उनकी डेट ऑफ बर्थ है 721 टू एंड डेट ऑफ डेथ है 815 AD. ये पैदा हुए थे ईरान में और इन्होंने मेडिसिन को प्रैक्टिसाइज्ड यानी कि मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी इराक में. इंट्रोड्यूस इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं. और वो बुक्स जिनकी वजह से ये फेमस हुए, हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात, अल नबातात फॉर प्लांट्स एंड अल हैवान फॉर द एनिमल्स. ठीक है, ये दो बुक्स के नेम हैं, यू मस्ट हैव टू लर्न एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ. ठीक है, द सेकेंड साइंटिस्ट अब्दुल मलिक असमाई. ये क्या हैं, कंसीडर हैं एज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं एनिमल्स को डिटेल में. ठीक है, 742-828 AD इनकी डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ डेथ है. ठीक है, इनकी फेमस राइटिंग्स क्या क्या हैं, इनकी फेमस राइटिंग्स है अल आबिल कैमल, ठीक है इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैमल, अल खाइल हॉर्स एंड अल वाहूश को कहते हैं एनिमल एंड खलकुल एहसान. ये इनकी बुक्स की नेम है, इनकी राइटिंग्स है फेमस, आपने ये याद कर लेनी है. एंड डोंट मिक्स द राइटिंग्स और बुक्स नेम ऑफ एवरी साइंटिस्ट, यू मस्ट हैव टू नो कि ये बुक किसने लिखी थी एंड ये राइटिंग्स किसकी हैं. ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट इज बू अली सीना. He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. ठीक है, इन सब साइंटिस्ट के ऊपर आपको नोट लिखने के लिए भी आ सकता है, इनके MCQs भी आ सकते हैं और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ठीक है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फिजिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर और पोइट कौन था, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन था, बू अली सीना. इसी में अगर हम डिस्कस करें उनकी बुक्स को, तो वन ऑफ हिज बुक्स अल कानून फील तिब, इनकी बुक का नेम था, जो कि फेमस थी, नोन थी एज द कैनन ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट. वेस्ट के अंदर इसको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की तरह लिया जाता था इस बुक को. ठीक है, ये हमारे पास थ्री साइंटिस्ट थे जिनको हमने डिस्कस किया. ठीक है, हमने कैरियर्स को रिवाइज कर लिया था. कुरान एंड बायोलॉजी में यू हैव टू लर्न द आयत्स एंड देयर तर्जमास, एक दफ़ा रीड आउट करें, इट विल बी गुड फॉर यू. मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक असमाई एंड बू अली सीना. जाबिर बिन हयान बेसिकली 721-815 AD एंड अब्दुल मलिक असमाई 740-828 AD. बू अली सीना जो हैं उनकी जो है वो फेमस ऑनर्ड थे, फाउंडर भी थे ऑफ मेडिसिन. ठीक है, कॉल्ड एज एविसीना इन द वेस्ट. आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन का फाउंडर कौन था. और जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे और इराक में उन्होंने प्रैक्टिस की थी. और हम उनकी बुक्स हैं अल नबातात, अल हैवान. अब्दुल मलिक असमाई की बुक्स हैं अल आबिल, अल खैर, अल वाहूश एंड खलकुल एहसान. बू अली सीना की थी अल कानून फी अल तिब. ठीक है, ये हमारे हो गए मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन. नेक्स्ट टॉपिक जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको जो है वो एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ. हमने अब आगे पढ़ना है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ बायोलॉजिस्ट स्टडी द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमने बायोलॉजिस्ट के फिनोमेना ऑफ लाइफ को डिस्कस करना, उसके लिए हमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रीड आउट करना पड़ेगा. और एक ही जगह पे रह के हमने बायोलॉजिकल जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पढ़ना, हमने डिफरेंट लेवल्स पर पढ़ना है. ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे हमने किस तरह पढ़ना है, वो लेवल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. मैं आपको उनके नेम्स एक दफ़ा बता देती हूँ, कौन कौन से लेवल्स हमने डिस्कस करने हैं. सब एटॉमिक, एनाटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल. दीज ऑल आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा. ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. कोई भी क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी अबाउट एनीथिंग. कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, यू कैन आस्क. एंड बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.